हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी मॉम व्लॉग। तो बहुत दिनों बाद हम वीकेंड पे बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। वेल, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो देखिए ये वीडियो एंड तक हमने कितनी मस्ती करी आज के इस दिन में। ये मेरा छोटा लिटिल हेल्पर है, मेरा लिटिल हेल्पर है, मेरी हेल्प कर रहा है। बस क्या 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 वैसे ना निकलते हुए खाते निकल गाड़ी पे बैठे। ये देख लो, फ्यूचर यूट्यूबर है, फ्यूचर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर सब है। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद हम पहुंच चुके हैं रो अर्बन रिजॉर्ट पे। लोकेशन है वो पूरी की पूरी, इट्स लाइक यू नो, खेतों के बीच में, नेचुरल ग्रीनरी, भीड़ नहीं है और एकदम शहर की भागदौड़ से दूर, नेचर के बीच में। यहाँ पे सर्दियों में बहुत अच्छा लगता होगा, अभी गर्मी में हम आए हैं तो बाहर तो हमें बहुत गाड़ी से निकल के एकदम बहुत तेज़ चटके लग रहे हैं धूप के। अरे अरे अरे, आंखों में मार दोगे बेटा, मैं ले लूँगी, कोई नहीं। मतलब आई एम तो शॉक्ड यार, मतलब ऐसी जगह गाँव वाँव के बीच में ऐसा रिजॉर्ट हो सकता है। इट्स लाइक मतलब नेचर से एकदम क्लोज, बड़ा मज़ेदार है। रास्ते का थोड़ा सा ध्यान रखना, हम थोड़े से भटक गए थे। तो आप लोग जब भी आओ तो जैसे आप वो एक्सप्रेस वे पर पहुँचते हो, बीच में से एक रास्ता कटता कच्चा सा, वहाँ से आना। अच्छा, यहाँ पे हम खाना वाना खा सकते हैं और झूले झूल सकते हैं, और क्या, बैठ झूला झूल झूलते हुए खाना खा सकते हैं। 50 किलो का वाट उठा रहे हैं। बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ सुथरा, शांति है, बहुत अच्छा है यार यहाँ। वाह डक, चलो चलो आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे आराम से। बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है, ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे मतलब ये रिक्शा भी चलता है अंदर, इंटीरियर पे इन्होंने ही रिक्शा भी चलाए हुए यार। यहाँ रात में ना डिनर करने में बड़ा मज़ा आता होगा ओपन में, और सर्दियों में धूप सेकते हुए खाना खाओ, वाह है तो बहुत अच्छा यार इंटीरियर। बाहर पे गाना बिल्कुल मौसम के उलट चल रहा है। कड़ाके की सर्दी। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, इंग्लिश फिल्मों में ट्री हाउस, हम ट्री छत पर आए हैं, ट्री छत पर, मस्त है ये। यहाँ यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको, देखो क्या बढ़िया व्यू है। काफी सारी एक्टिविटीज है, गुलेल, एयर गन, और क्या क्या भैया, गुलेल और एयर गन यहाँ पे। अरे दीप ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग गर्मी में भपक चुके हैं, तो अब हम यहाँ के आके बैठे हैं। हाँ डालो यार, उसमें कहेंगे यार। और क्या गरम बहुत है, मज़ा आ रहा है, लेकिन गरम काफ़ी है। गर्मियों में तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन सर्दियों में आप यहाँ डेफिनेटली आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, खुला खुला जगह है। और अगर आप ये नोएडा गाज़ियाबाद इस साइड रहते हो, क्योंकि गुड़गांव में मैंने बहुत सारे फार्म्स देखे हैं, इस साइड फार्म नहीं देखे, लेकिन ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे हम लोगों के लिए एक अच्छी जगह खुली है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो, लेकिन सर्दियों में। गर्मियों पे अपने रेस्ट पे आइए, या फिर आप रात में स्टे कर। फिर मैं ऑफिस चले आ रहा हूँ, तुम दोनों आना आराम से, मैं जा रहा हूँ ऑफिस।
हट सी बना रखी है, यहाँ पे आप आराम से आराम कर सकते हैं। थक गए, मजा आ रही है, डर लग रहा है ऐसे कोई सांप ऊपर से ऐसे चलता हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन अभी धूप हो रही है। देखो यहाँ पे वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ये है, ज़िपलाइन वगैरह भी है उधर, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं फ्रूट गार्डन, बी कीपिंग, प्लांट नर्सरी, एग्रो फॉरेस्ट्री फार्म, ये सारी चीज़ें भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स बन रहे हैं और कुछ रूम्स बने हुए भी हैं, तो ये काफ़ी सारे रूम हैं। अगर आप यहाँ रात पर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, और यहाँ बढ़िया पूल भी है। वंशु रुको, अभी लंच के बाद जाना। गौशाला भी है, हाँ काओ है, काओ। तेज धूप में इधर उधर घूमने के बाद हम फाइनली आए हैं थोड़ा ठंडक लेने, दैट इज़ पूल। बहुत बड़ा पूल है और वहाँ रेन डांस भी है। ये बच्चों का पूल है, यहाँ थोड़ा सा वर्क हो रहा है अभी। और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा पूल है। ये तरह तरह के हनी है यहाँ पे, अजवाइन हनी, लीची हनी, मल्टी फ्लोरल हनी, बी हनी, बेर हनी सॉरी। ये 350 ग्राम है, 410 रुपीज़ का। तो ये ओरिजिनल है, प्योर है, यहीं का बनाया हुआ है ना, यहीं से वो किया हुआ है ऑर्गेनिक। ये अचार है खट्टा मीठा और नींबू अचार, इसका जो प्राइस है वो है 350 ग्राम, 250 रुपीज़ का। और ये हल्दी गार्लिक अचार है, इसका प्राइस है 350 ग्राम फॉर 350 रुपीज़। और ये है गिर गांव का A2 घी है, ये बिल्कुल प्योर है, कोई भी मिलावट नहीं है, 300 ml फॉर 990 रुपीज़। और ये आपको सिर्फ एक्सक्लूसिवली यहीं पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसे हैंडमेड गिर गांव काउडंग धूप स्टिक्स है, फिर आपको वहाँ पे काउडंग के जो उपले बोलते हैं ना, उपले हैं, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे धूप वगैरह मिलेंगी, यहीं की चीज़ों से जो उगती हैं उनसे ही बनाया जाता है, तो बहुत मतलब प्योर ऑर्गेनिक, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में और देख रहे हैं कोई गेटअवे सी लोकेशन, तो यहाँ आप ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।